अब हम हैं होली स्पिरिट पार्ट 3 लेसन नंबर 6 में और हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में अपने अध्ययन को आगे देख रहे हैं और ये तो अलौकिक ऊर्जा प्राप्त करना है। एक बार फिर यहां पर जब हम इस पाठ में हैं, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 31 जहां पर ये इस तरह से कहता है कि आप बड़ी इच्छा रखें और निश्चय इसको बढ़ाते चले जाएं इन वरदानों को, यानी आप इस बात को जानते हैं इन वरदानों के प्रकटीकरण में हमें एक भूमिका निभानी है। और शायद हो सकता है कि हमारे पास जवाब से ज्यादा यहां पर सवाल हो, लेकिन हम प्रभु को ढूंढते रहेंगे। ठीक है, यहां पर इस सेशन में हम देखेंगे कि बाइबल इस वरदान के बारे में क्या कहती है, आश्चर्यकर्म के वरदान के बारे में क्या कहती है, आश्चर्यकर्म के काम करने के वरदान, और इसके बारे में हम सबसे अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। और ये तो सामर्थ्य के वरदान है या फिर प्रकटीकरण के वरदान है, हम इसकी परिभाषा इस तरह से करेंगे, महान होने का मानो विस्फोट होना। महानता का ये मानो एक विस्फोट है और ये तो अलौकिक हस्तक्षेप है इस प्रकृति के क्षेत्र में। और जैसे दूसरे परमेश्वर के नियंत्रण उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं, एक बार फिर महानता का मानो विस्फोट होना और ये तो मानो स्वाभाविक में अलौकिक का हस्तक्षेप होना जो प्रभु के नियंत्रण में होता है। और जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि कैसे हम इसे पहचानते हैं, आश्चर्यकर्म का जो वरदान है उसे मैं सोचता हूं कुंजी है। मैं सोचता हूं ये तो स्वाभाविक क्षेत्र में अलौकिक हस्तक्षेप होना है या ऐसा जो स्वाभाविक नियम के ऊपर होता है। और जैसे हम शुरू करते हैं, अवश्य बाइबल इससे भरी हुई है, लेकिन निर्गमन की किताब में अध्याय 14 में हम यहां पर ये लेखा देखते हैं। यहां पर इसराइली लोग जो है वो तो बस मिस्र से बाहर आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और बस वो इस रुकावट में आए, इस लाल समुंदर के सामने आए और फिरौन की सेना उनके पीछे थी। और फिर उस समय वो शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, वो परमेश्वर को पुकारने लगे कि ये कहने लगे कि मिस्र में कोई कब्र के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो उन्हें यहां पर बाहर जंगल में लाया है। और ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे मूसा उस परिस्थिति में खड़े रहता और कहता है कि तुम स्थिर रहो और प्रभु की सामर्थ को तुम यहां पर देखो। और अगली बात हम देखते हैं कि प्रभु मूसा से कहता है कि तुम मेरे सामने क्यों रोता है, यानी उसके इस हिम्मत के वाक्य और इसके बीच, इसराइली लोगों के बीच में और ये सब कुछ असली में होना, वो शायद पत्थर के पीछे चला गया होगा, उसने प्रभु को पुकारा होगा कि हम अभी क्या करें ना, नहीं तो परमेश्वर इस तरह से उत्तर नहीं देता था। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में अभी क्या है। और यहां परमेश्वर चाहता था कि मूसा ये देखे कि उसने उसे दिया है अधिकार की लाठी दी या अधिकार दिया कि इस परिस्थिति से निपटे। और उसने मूसा से कहा, तुम जाकर अपना हाथ समुन्द्र पर उठाओ और तुम इसे विभाजित करो। कितने लोग जानते हैं कि मूसा ही वो लाठी है और उसमें ऐसा करने की योग्यता तो नहीं थी, लेकिन हम फिर से एक बार देखते हैं कि परमेश्वर लोगों में काम करता है। और ये तो सच में बहुत ही सच्चाई का बहुत ही सुंदर ऐसा प्रकटीकरण है। ये सारे वरदान जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, इन अलौकिक वरदानों में हमारा सहयोग बहुत जरूरी है। परमेश्वर महानता में बस ऐसे ही स्वर्ग से आकर मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं करता, उसे मनुष्य चाहिए। यानी यहां पर यह बहुत ही अद्भुत ऐसा चमत्कार है, यहां लाल समुंदर उनके सामने में है और यहां पर मूसा आगे आता है, वो अपनी लाठी उठाता है और पानी जो है अलौकिक रूप में विभाजित होता है। और भी एक बहुत ही अलौकिक काम जो यहां पर है, जिसे हम कई बार नहीं पहचानते हैं, कि वो जमीन सूखी थी। देखिए, यदि आप और मैं कभी इस तरह की परिस्थिति में होते
हम देखते हैं कि पानी वहां पर है, पानी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जमीन के ऊपर कीचड़ पड़ा होता है। और ये जो चमत्कार है बहुत ही अद्भुत था। सच्चाई ये थी कि पानी हट गया था और जमीन सूख गई थी, और फिर इसराइली लोग उस पार वहां पर जा सके, सूखी भूमि पर। और इसके बारे में सबसे अद्भुत बात तो यही है कि ये तो आधारित है कि आप कौन सी रिसोर्स बुक पढ़ते हैं। लगभग 10 से 30 लाख लोग थे जो पार होने वाले थे। कितने लोग जानते हैं 2-3 मिनट में ये नहीं हो सकता है। सोचिए यहां से ब्रेक रूम में जाने के लिए कितना समय लगता है आपको। आप जरा कल्पना करें कि 30 लाख लोगों को यहां पर उस पानी से उस पार जाने के लिए कितना समय लगा होगा। जैसे कि पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया था। कितना अद्भुत महान चमत्कार था ये। मुझे पता नहीं क्या मैंने आपको ये बताया है, लेकिन चलिए मैं जल्दी से बताऊं, इसके लिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। लेकिन देखिए ये जो चमत्कार है, प्रभु ने इसका उपयोग किया कि मुझे सच में वो वचन का विद्यार्थी बना दे। और ये तो तब की बात है जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था। मैं प्रभु की बातों के लिए बहुत ही उत्साहित था, प्रभु के लिए जिज्ञासा से भरा, और मैं कलीसिया में जाने लगा था, हर एक चीज के लिए खुद को देता गया। और फिर मैं तो बस, पास्टर ने मुझे टीचर बनाया 6ठी साल के बच्चों के लिए संडे स्कूल में। मैं बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बाइबल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो संडे स्कूल के क्वार्टरलीज हैं और यहाँ पर पूरे लेसन है, बस आपको खड़े होकर इसे बस बताते चले जाना है, बच्चों को बताना है। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे आराम से पढ़ सकता हूँ। तो मैंने 6ठी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और संडे स्कूल क्वार्टरली का उपयोग करने लगा। और ये सब ठीक चलता रहा जब तक 1 क्वार्टर में स्टडी निर्गमन की किताब पर ही थी। और मैं अपने लेसन पढ़ रहा था ताकि रविवार के लिए तैयारी कर लूं। और मैंने ये क्वार्टरली पढ़ा और मैंने देखा कि लाल समुंदर केवल लाल नहीं था, लेकिन उसमें बहुत से सरकंडे थे और पानी तो बस 12 इंच ही था। और खैर उन्होंने इतना विवरण नहीं दिया उस क्वार्टरली में कि कैसे परमेश्वर ने पूरी मिस्री सेना को 12 इंच पानी में डुबो दिया। खैर उन्होंने इसका कोई विवरण नहीं दिया था और इसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो गया। और फिर अगली बात जो उन्होंने वहां पर बताई कि जो मन्ना जो ऊपर से बरसता था वो तो बस उस जगह पेड़ पर बढ़ने वाला फंगस हुआ करता था। और वहां पर जो चमत्कार था कि वहां पर बटेर गिरे, ये तो बस उस जगह पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण हुआ था। उनके पंख गीले हो गए और बस नीचे गिर गए। खैर उस समय मुझे बाइबल के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखी हुई थी और उसमें दिखाए गए चमत्कार तो मुझे उस क्वार्टरली से बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। और फिर यहाँ पर एक ही बात मैंने यहाँ पर जानी कि मेरे मन में बात आई कि मुझे यहाँ पर बाइबल तो अब जरूर पढ़नी ही होगी। मैंने पाया कि क्वार्टरली और फिल्म दोनों की दोनों गलत ही हैं। बाइबल तो उससे बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाली है। और इससे मैं वचन यहाँ पर ढूंढने लगा, ये देखने लगा कि बाइबल क्या कहती है इन घटनाओं के बारे में। तो हर समय मैं जब भी मैं लाल समुद्र के बारे में बातें करता हूँ तो मेरा मन बस उसी बात की ओर जाता है। आपने सुना होगा एक छोटा लड़का संडे स्कूल में गया था। घर में आया, माँ ने पूछा संडे स्कूल में तुमने क्या सीखा, तो उसने कहा यहाँ पर ये जो यहूदी लोगों का जो समूह था वो अपने शत्रु से बचकर जैसे तैसे निकले और यहाँ पर पानी के सामने पहुंचे। उन्होंने इंजीनियर को बुलाया और सोचा कि कैसे इस पर एक अच्छा ब्रिज बनाए, और उस पर काम करने लग गए और ब्रिज बनाया और लाल समुंदर पार कर लिया। और माँ ने कहा जॉनी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें संडे स्कूल में ये सिखाया गया है। नहीं, जो उन्होंने बताया अगर बताऊं तो विश्वास नहीं करोगी। यानी यहां पर चमत्कार का ये वरदान है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है कि पानी बढ़ जाए। कितने लोग इस बात को जानते हैं। ये तो परमेश्वर का अलौकिक ऐसा काम है और ये तो अलौकिक हस्तक्षेप है यहाँ या इस पृथ्वी में। और फिर अगला जो बताया गया वो है यहोशू अध्याय 6 में। और अवश्य ये तब की बात है जब मूसा मर गया था और यहोशू अगवा बन गया था। उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया और बड़ी शहरपनाह वाले शहर के पास आए, यरीहो। और वो तो शत्रु के हाथ में ही था। और फिर परमेश्वर ने यहोशू से बातें की और कहा ये तो मुख्य कुंजी है कि
ये एक और तरह की शिक्षा है, लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। प्रभु ने कहा, देखो यहोशु, मैंने तुम्हें ये शहर दे दिया है। स्वाभाविक में कितने लोग जानते हैं कि जब नगर को देख रहा था तो वो उसका नहीं था, शत्रु अभी भी उसमें थे। और अगली बात हम देखते हैं कि जो वहां पर हुई, एक बार फिर प्रभु मनुष्य का उपयोग करता, वो यहोशु से बातें करता और उसे पूरी योजना बताता है। और ये उस शहर को लेने के लिए सामान्य योजना नहीं थी। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इसके चक्कर काटो, इतने चक्कर काटना और अंत में फिर तुरही फूंक कर तुम जोर से जय जयकार करना। खैर देखिए, एक बार फिर बहुत से शहरों को चक्कर काटने से जीता नहीं गया था। और यहां पर इस निर्देश में एक और बहुत ही दिलचस्प बात थी कि उसने कहा चक्कर काटते समय एक दूसरे से बात नहीं करना। कितने लोग सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि वो चक्कर काटते हुए एक दूसरे से बातें करते तो निश्चय ही आप सुन सकते थे कि क्या कह रहे हैं, किसने सुना है किस तरह से इस नगर को जीता जा सकता है। आज तक मैंने यही सबसे बड़ी मूर्खता देखी है। तुम जानते हो हमें यहां पर टोप लानी चाहिए और दूसरे हथियार लाने चाहिए। इसलिए उसने कहा बस तुम चुप रहना। जैसे वो चक्कर काट रहे थे, प्रभु की आज्ञा मानी और चिल्लाए, शहर की शहरपनाह गिर गई। ये एक बार फिर से चमत्कार का वरदान था, क्योंकि ये तो निश्चय ही ये प्रकृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप था। दीवारें ऐसी ही नहीं गिरती हैं। अब जानते हैं, ये तो खैर मुझे पता नहीं क्या ये सच है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये रिसोर्स बुक से उन्होंने वो जगह ढूंढ ली जहां पर यरीहो था, और सच में जो दीवारें थी इस तरह से नहीं गिरी थी, वो तो बस जमीन के अंदर ऐसी धस गई थी। खैर जो भी हुआ हो, जमीन में धस गई या फिर जमीन पर गिर गई हो, शहरपनाह गिर गई। और ये तो परमेश्वर का बहुत ही महान अलौकिक काम था। प्रकृति में परमेश्वर का हस्तक्षेप था, ये चमत्कार करने का वरदान था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मनुष्य का योगदान आप जरूर देखें। परमेश्वर ने उस शहरपनाह को ऐसे ही नीचे नहीं गिराया, लेकिन मनुष्य का सहयोग यहाँ पर था। मनुष्य और प्रभु में, मनुष्य विश्वास में काम कर रहा था जो प्रभु कह रहा था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि चमत्कार ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम देखेंगे परमेश्वर लोगों का उपयोग करता है कि वो यहां पर चमत्कार लेकर आ जाएं। दूसरा राजा अध्याय 4:1-7, यहां पर हम देखते हैं कि ये विधवा स्त्री वो भविष्यवक्ता के पास आती और कहती है, मेरा पति मर गया और अब साहूकार आ रहे हैं, साहूकार आकर मेरे बेटों को लेकर चले जाएंगे। कुछ माता पिता शायद कहे परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन इसने नहीं कहा। ये बच्चों से प्यार करती थी, इसलिए तो उसने कहा मैं क्या करूं। तो उसने उसे एक हल बताया। तो यहां दूसरा राजा अध्याय 4 उसने उससे कहा, एलिशा ने 2 उससे कहा कि मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में तेरे पास में क्या है। और उसने कहा तेरी दासी के पास तेल की कुप्पी को छोड़ और कुछ नहीं। और भविष्यवक्ता ने कहा अपने पड़ोसिनियों से सारे बर्तन मांग लेना, तो खाली बर्तन उधार मांगना और थोड़े बर्तन नहीं मांगना, या सामान्य रूप में बहुत ज्यादा बर्तन लाना। और जब तू घर के भीतर आए तो अपने बेटों के साथ में दरवाजा बंद कर लेना और उंडेलना, और जो बर्तन भर जाए उन बर्तनों को तू अलग रख देना। तो वो घर के भीतर गई, अपने बेटों को अंदर रख के उसने दरवाजा बंद किया और वो उंडेलने लगी। और ऐसा हुआ कि जब बर्तन भरने लगे तो उसने अपने बेटे से कहा मुझे एक और बर्तन दे। तब उसने कहा अब कोई बर्तन बाकी नहीं रहा, तब तेल बहना बंद हो गया। और उसने कहा तेल बेचकर अपना कर्ज चुकाना। अब कितने लोग जानते हैं कि उसके पास एक कुप्पी भर तेल था, और जैसे वो इन इन बर्तनों में वो उंडेलने लगी, वो उंडेलता चला गया। और यह हमें बताता है कि उसके पास बहुत से बर्तन थे, इस तरह से बहुत सा तेल था। और ये तो संदेश के साथ में बहुत ही फिट होता है जो एंड्रू प्रचार करते हैं कि प्रभु को सीमित न करें। बस यहां पर हम ये देखते हैं, ये दर्शाता है अगर उसके पास और बर्तन होते तो और तेल होता और ज्यादा पैसा कमाती, लेकिन उसने बस कुछ ही बर्तन लाए थे और जिस पल वो भर गए तो तेल बहना बंद हो गया। कितने लोग जानते हैं कि ये तो चमत्कार का वरदान है जो इसके साथ में चलता है। ये तेल अपने आप में ऐसे बहुगुणित नहीं होता है, लेकिन फिर से यहां आप मनुष्य का योगदान देखते हैं। इस स्त्री को वही करना था जो भविष्यवक्ता ने कहा था, उसे परमेश्वर के वचन पर काम करना था कि ये चमत्कार वहां पर हो जाए। परमेश्वर ने बस ऐसे ही अपने आप में उसे बहुत सा तेल नहीं दिया। और मैं बार बार इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसीह के देह में इस तरह की विचारधारा है कि जब परमेश्वर कोई चमत्कार करता है, ये तो परमेश्वर खुद अकेला ही सब करता है। लेकिन हर एक में हम देखेंगे इसके अंदर मनुष्य का योगदान रहा है। किसी व्यक्ति ने काम किया कि वो चमत्कार वहां पर हो जाए।
अगला जो है तो बस कुछ पन्नों के बाद में ही है और इसे पढ़ने के लिए हम समय नहीं बिताएंगे। वो वहां पर पेड़ काट रहा था और जैसे इस व्यक्ति की जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई, कुल्हाड़ी का सिरा उड़कर पानी में गिर गया और वो परेशान हुआ क्योंकि उसने उसे उधार लाया था। और भविष्यवक्ता ने उससे पूछा कि इस कुल्हाड़ी का सिरा कहाँ पर गिरा है, और उसने एक लकड़ी तोड़ी और उसे पानी में फेंक दिया और कुल्हाड़ी का सिरा तैरने लगा। कितने लोग जानते हैं कि ये तो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक है कि कुल्हाड़ी का सिरा तो बस डूब जाता है, लेकिन ये तो तैरा, ये तो चमत्कार का वरदान है। और हम जानते हैं कई बार मैं वचनों में जाता हूं और जब इस तरह की बातों को मैं पढ़ता हूं, दोस्तों हम कब जाकर ये सब देखेंगे? चमत्कार तो तब होंगे जब भी उनकी जरूरत हो, जरूरी नहीं कि जीवन और मृत्यु की परिस्थिति में ही हो। लेकिन यहां पर फिर से इस व्यक्ति का काम यहां पर जरूर होना था कि प्रभु के साथ काम करे कि यहां पर ये चमत्कार इस समय हो जाए। हम पुराने नियम से बाहर आते हैं नए नियम में, और पहला चमत्कार जो यीशु ने किया था वो शादी में था, और वहीं पर उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। और अवश्य लोग वहां पर बहुत ही परेशान थे क्योंकि वहां ऐसे दिख रहा था कि दाखरस खत्म हो जाएगा और ऐसा लग रहा था ये तो अपमान की बात होगी। तो यीशु ने उन लोगों से कहा कि जाकर इन कुंडों को पानी से भरो और फिर उंडेल देना। और जहां तक कि हम वचन से इस बात को देखते हैं, ये तब तक दाखरस नहीं बना जब तक कि वो उसे उंडेलने नहीं लगे। जानते हैं इसमें एक और प्रकाशन जो हमें यहां पर ये देता है, यदि हम प्रभु के द्वारा उपयोग होना चाहते हैं चमत्कार के इस वरदान में, कई बार हमें तैयार रहना पड़ता है कि अगर ये काम नहीं करता है तो हमारे मुंह पर हम अंडे भी खाएं। मतलब ये कितने अपमान की बात होती कि अगर वो जाकर उंडेलते और इसमें से बस पानी ही निकलता, क्योंकि वो जानते थे कि इन कुंडों में पानी है क्योंकि उन्होंने ही तो उसके अंदर पानी भरा था। इसके लिए विश्वास चाहिए कि परमेश्वर के साथ काम करे कि यहां पर चमत्कार का जो वरदान है वो प्रकट हो जाए, और अवश्य ही जो यीशु ने बनाया था वो बेहतर था और सभी ने उसकी तारीफ भी की थी। अब हमारे बैप्टिस्ट भाइयों के लिए ये कोई ग्रेप जूस नहीं था, ये वाइन थी। और मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप बाहर जाकर वाइन पीते रहे, यहां पर हम बस वचन को देख रहे हैं। आप इसे जान ले, उसने दाखरस बनाया, और इसलिए देखते हैं दूसरे वचन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो दाखरस है वो समस्या लाएगा। कितने लोग ये जानते हैं कि इसके कारण परेशानी होती है? यूहन्ना अध्याय 6, यूहन्ना अध्याय 6, और ये एक और वचन है चमत्कार के वरदान के बारे में। चलिए इसे यहां पर पढ़ते हैं, वचन 1 से शुरू करते हैं। इन दिनों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट ही था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो जानता था कि क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी कि इनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोगों ने जिनमें पुरुषों की संख्या 5,000 की थी बैठ गए। और तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसने अपने चेलों को वो दी, और चेलों ने बैठने वालों को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिए। और जब वे तृप्त हो गए उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े में से जो खाने वालों से बच गया था 12 टोकरियां भर ली, और सब खाकर तृप्त हो गए थे।
तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय ही यही है। ठीक है, ये और एक घटना है, चमत्कार करने का वरदान। क्योंकि अवश्य हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप था कि वो यहाँ पर 5,000 लोगों को भोजन दे सका। अब उन्होंने इसका अनुमान लगाया था, और यहाँ पर शायद बच्चे और स्त्रियाँ भी होगी, ये ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर लगभग 12 से 15 हज़ार लोग थे उस समूह में जो यीशु के पीछे चल रहा था। और जो पहली बात हुई, जो पहला प्रकाशन हम यहाँ पर देखते हैं, हमें खुद की रक्षा करनी है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा उपयोग करे चमत्कार के वरदान में, तो हमें खुद की रक्षा करनी होगी यहाँ मनुष्य के कारण में काम करने से। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर जब हम किसी बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम बैठकर सोचने लगते हैं कि परमेश्वर इसे कैसे करेगा, वो इसे कैसे काम करने देगा, ये किस तरह से हो सकता है। और ऐसे करने के द्वारा हम अपने मनुष्य के कारण का उपयोग करते हैं। देखिए, यहां पर हमारा विश्वास बढ़ता नहीं है, सामान्य रूप में ये घटते जाता है। क्योंकि हम जब उस परिस्थिति की असंभवता को देखते हैं, अगर हम सावधान नहीं है तो हम अपने आप को विश्वास से बाहर रखेंगे मनुष्य के कारण से। और देखिए, यहीं पर फिलिप्पुस आता है, और यहाँ पर यीशु ने कहा कि इन सब लोगों को भोजन देते हैं। वह बैठ गया, फिलिप्पुस के पास में पॉकेट कैलकुलेटर था, उसने गिनती की कि इतने लोगों को भोजन देने के लिए उन्हें कितना खर्चा आएगा। और पुराने नियम में भी बस ऐसी ही बात हुई, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन लोगों से कहना इन्हें मीट चाहिए, तो मैं इतना ज़्यादा मीट भेजूंगा कि एक या दो दिन के लिए काफ़ी नहीं होगा, इतने ज़्यादा बटेरिए खाएंगे कि ये उनके नाक में से निकलने लगेंगे। तो पहली बात, मूसा वहां पर बैठ गया और वो सोचने लगा, प्रभु अगर हम अपने सारे जानवर को मार दे, बकरे और सारे भेड़ को मार दे, तो हम इतने समय तक इतने लोगों को नहीं खिला सकते हैं। मनुष्य की सोच कई बार परमेश्वर की ओर से चमत्कार को रोकती है, इसलिए इस बात को हमें समझना है। हमें जानना नहीं कि प्रभु कैसे करेगा, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर इसे करेगा। और फिर वहां एक और चेला आता है, कहता है एक छोटे लड़के के पास में उसका छोटा लंच है, और ये तो अच्छा होगा कि थियोलॉजियन से हम ये कह दें, जो हमें ये कहते हैं कि उन दिनों में वो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां खाते थे, और वो मछली वेल हो सकती है। मुझे पता नहीं इसके बारे में कारण बनाने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं। सामान्य समझ की बात आपको ये बताती है कि ये छोटा लड़का वो लेकर नहीं चलेगा 5 बड़ी बड़ी रोटियां, और अपने पीछे 2 वेल को खींच कर नहीं लाएगा। चाहे वो हट्टा कट्टा भी हो, तो उसके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये तो छोटे बच्चे का लंच था, छोटे बच्चे का लंच था, छोटी छोटी रोटियां और छोटी छोटी मछली। अब यहां पर इसमें बड़ी बात यह है कि एक बात फिर से आप जान ले, परमेश्वर ने वहां अचानक ही रोटी और इतनी सारी मछलियां नहीं बनाई, उसने ये चेलों को दिया, और जैसे वो जाकर इससे बांट रहे थे, दे रहे थे, ये बहुगुणित होती चली गई। क्या आपको याद नहीं कि चेले भी यीशु के साथ चलते थे, और हमेशा उन्हें खुद खाने की इच्छा होती थी? मुझे आपके बारे में कुछ नहीं, अगर मैं रोटी को तोड़ूं और छोटी सी रोटी को इस तरह से देखूं कि ये जो है मेरे लिए काफी नहीं है। देखिए, ये तो प्रकृति के काम में यहां पर हस्तक्षेप था। रोटी और मछली अपने आप बहुगुणित नहीं होती, लेकिन फिर से देखिए यहां पर कैसे लोग इसमें जुड़े हुए थे। ये फिर से मैं कहूं कि ये पूरी तरह परमेश्वर का ही काम नहीं था। हर एक चमत्कार जो हम यहां पर देख रहे हैं, इसमें लोग जुड़े हुए थे। आप कहेंगे आपने पहले बताया है, मैं बहुत बार बताऊंगा, क्योंकि ये समझना है, हमें इसे अपने दिमाग में उतारना है कि जब हम चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, हमें कुछ करना है, या और कोई उसमें जुड़ना जरूरी है। फिर जो अगला वो ये है, ये घटना जहां पर यीशु चलते हुए चेलों के पास में आता है, तूफान के बीच में भी वो पानी पर चल रहा था। कितने लोग जानते हैं कि प्रकृति में हस्तक्षेप था, पानी पर चलना तो असंभव होता है जब तक बर्फ न जमी हो। मैंने एक बार ऐसे ही किया,
जमी हुई झील देखी और कहा मैं पानी पर चलूंगा। मैं जानता हूं यह उतना सरल नहीं था, मैंने इस बात को जाना है। मेरा मन अजीब तरीके से काम करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चलता हुआ आता है, और इस घटना में एक बहुत ही दिलचस्प बात तो यही है कि जब पतरस उसे पुकारने लगा, वो परमेश्वर को मानो बक्से में रखना चाहता था। आप कहेंगे कैसे? क्या आपको यह याद है जब उसने देखा, उसने कहा यीशु यदि तू है तो मुझे आने के लिए कहे। यीशु क्या कहने वाला था? मैं नहीं हूं। ठीक है, पतरस के सवाल को और क्या जवाब दे सकता था? उसने कहा मैं ही हूं। खैर, पतरस ने यह नहीं कहा था, उसने कहा यदि तू है तो मुझे आने के लिए कहना। तो यीशु को अपनी पहचान बताने के लिए बस वो यही कह सकता था कि हां तुम आओ। ठीक है, तो हमें सावधान रहना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को सीमित न कर दें। लेकिन चमत्कार तो यह था कि यीशु पानी के ऊपर चल रहा था, और बात तो निश्चित ही है जो प्रकृति में हस्तक्षेप था, लेकिन बाद में पतरस नाव में से बाहर आता है और वो भी पानी पर चलने लगता है। जब तक कि उसने यीशु पर से अपनी आंखें न हटा ली, अपने आप में अलग शिक्षा है। लेकिन मैं चाहता हूं देखें कि एक बार फिर यहां पर लोग जुड़े हुए हैं इस चमत्कार के काम में। अब प्रारंभिक कलीसिया चमत्कार में जुड़ी हुई थी। यहां पर फिलिपुस की सेवकाई देखिए, प्रेरित अध्याय 8 में। आपको याद है फिलिपुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि शुरू के भाग में जब कलीसिया बढ़ रही थी, प्रेरित अध्याय 6 में देखिए, और प्रेरितों ने कहा कि तुम्हें चुनना है 7 पुरुष जो सुनामी है और पवित्र आत्मा से भरे हैं, और हम उन्हें वेटर बना लेंगे। और जब उन्होंने चुना, उनमें से फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति था। अब फिलिपुस यहां पर सामारिया में गया प्रचार के लिए, बाइबल हमें यह बताती है। और जैसे वो वहां प्रचार के लिए गया, वचन 5 प्रेरित अध्याय 8, फिलिपुस सामारिया नगर में गया और उन्हें मसीह का प्रचार किया, और जो कुछ भी फिलिपुस ने कहा लोगों ने चित लगाकर उसकी बात सुनी। उन्होंने वो सुना और वो चमत्कार देखे जो वो दिखा रहा था। यानी फिलिपुस की सेवकाई में हम ये जानते हैं कि वहां बहुत से चमत्कार हो रहे थे, और इसके परिणाम में लोग आने लगे। हम नहीं जानते, हमें ये नहीं बताया गया कि किस तरह के चमत्कार हुए। हम जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, जो लोग लकवे के मारे और लंगड़े थे वो सब लोग चंगे हो गए। और इसलिए मुझे पता नहीं कि क्या ये, देखिए यहां पर बाइबल इस तरह से बताती है कि ये ऐसे चमत्कार हैं जो फिलिपुस ने किए, लेकिन ये तो निश्चय है कि ये फिलिपुस की सेवकाई में हो रहे थे, और इसके परिणाम में पूरा शहर प्रत्युत्तर देने लगा। और फिलिपुस के प्रचार के कारण सामरिया नगर में बहुत बड़ी जागृति वहां पर आने लगी। और वचन 13, और फिर शिमोन ने बपतिस्मा लेने के बाद में वो फिलिपुस के साथ में ही बना रहा, और वहां पर जो चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे उसे देखकर वो बहुत चकित हुआ। यानी हम यहां पर इस जगह पर देख रहे हैं परमेश्वर फिलिपुस का उपयोग करता है। फिर से एक बार एक मनुष्य जो कि काम करता है कि ये सारे चमत्कार वहां पर हो जाएं। यानी चमत्कार तो प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में ये तो सेवकाई का एक भाग था, लेकिन पुराने नियम से शुरू करते हैं और सुसमाचार में, और फिर हम देखेंगे यहां पर इस कलीसिया के इतिहास में हम ये देखते हैं कि जो चमत्कार है वो तो व्यवहारिक भाग थे उस हर एक काम में जो प्रभु के नाम में किए जा रहे थे। अब एक बार फिर से, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये कहा, कोई वचन इस तरह से ये नहीं कहता है कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो गया, कि ये खत्म हो गया, या फिर ये केवल कुछ ही लोगों के समूह के लिए था। और ये तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं, जबकि खासकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कलीसिया के युग से प्रेरित अध्याय 2 से प्रभु के दूसरे आगमन तक के समय में। हम कलीसिया के युग में काम कर रहे हैं, और यहां पर पौलुस लिख रहा है इस जगह कुरंथियों की पत्री में, और उन्हें आत्मा के वरदान के बारे में बताता है जो कि कलीसिया में दिए जाना चाहिए। क्या वो पुराने नियम के इसराइल के बारे में बता रहा है?
क्या और किसी से बातें कर रहा है? नहीं, बस कलीसिया से, मसीह की देह से कहता है। और इसलिए हम अभी भी उसी युग में हैं और हम कलीसिया के समय में हैं, और तब तक हम इसमें रहेंगे जब तक कि प्रभु इस समय में अपना काम पूरा नहीं करता। यानी जो कुछ प्रारंभिक कलीसिया में हुआ, हम अपेक्षा करते हैं कि वो आज की कलीसिया में भी होता जाए। वही परमेश्वर है, वही यीशु है, वही पवित्र आत्मा है, वही संदेश है, उसके भी वही परिणाम होने चाहिए। आमेन। और इसलिए आपको और मुझे अपने आप को ऐसी जगह पर रखना है कि हम बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। याद रखें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 31 में वचन कहता है कि तुम इन वरदानों की इच्छा रखो और इसमें तुम बढ़ते जाओ। दूसरे शब्दों में अपने आप को वहां पर उपयोग के लिए रखना है। और यहां पर सबसे मुख्य बात कौन सी है? विश्वास। विश्वास परमेश्वर पर, विश्वास करना, और वो हम सबका उपयोग करना चाहता है। एक बार फिर से कहूं कि ये तो खैर मैंने आपको पहले भी कहा है, और मैं सोचता हूं शैतान एक बहुत बड़ी युक्ति के साथ में आया और उसके कारण उसने मसीह की देह के 95% लोगों को बेकार कर दिया है। और 95% लोगों को उसने बताया कि ये वरदान तो केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, जबकि सच में परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं सारे मेरी देह के सारे लोग इसमें काम करें। अब देखिए क्या हुआ, इसके बजाय कि एक व्यक्ति वो बड़े क्रूसेड करे कि इन्हें प्रकट करे, आपके पास हजारों हैं जो इसे करते हैं जहां भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये केवल खास सभाओं में हो, ये सड़क के किनारे हो सकते हैं, वॉलमार्ट में हो सकता है, चाहे हम जहां भी क्यों ना हो, जब भी इसमें से किसी एक की जरूरत हो हम इसे देखेंगे। तो फिर फिलिपुस की सेवकाई तो ऐसे चमत्कारों से भरी हुई थी और वो साबित कर रही थी। और फिर निश्चय जानते हैं कि अगली बात वहां पर फिलिपुस के साथ ये हुई कि पूरे शहर में बेदारी आई। इसका चमत्कार के वरदान के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन कितना अच्छा पाठ है। वो यहाँ एक महान जागृति के बीच में था, चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, सैकड़ों लोग वहां पर उद्धार पा रहे थे, चंगाई पाकर आत्मा में बपतिस्मा पा रहे थे, और परमेश्वर की आत्मा कहती जंगल में जा और एक रथ में जाकर बैठ। दोस्तों यहीं पर तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग जो हैं, जो देखते हैं उसके द्वारा चलने न लगे स्वाभाविक सफलता से, लेकिन हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया रेगिस्तान के एक आदमी के लिए जो कि एक शहर के जितना महत्वपूर्ण था। हम इस बात को न चूके क्योंकि हालांकि ये इस पाठ का भाग नहीं, लेकिन निश्चय हम इस बात को देखें कि फिलिपुस ने प्रभु की आज्ञा मानी और पूरे शहर की जागृति को छोड़ा और जाकर एक मनुष्य की सेवा की जो इथोपिया का खोजा था। और ये कितनी कितनी महान कहानी है। फिर यहां पर आप देखिए, यहां पौलुस की सेवकाई में वहां पर भी बहुत से चमत्कार हुए, लेकिन उनमें से एक जो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अद्भुत है, जो यहाँ पाया जाता है प्रेरित अध्याय 28 में। और अवश्य ये तो उनके जहाज के टूटने के बाद फिर वो किनारे पर पहुंचते हैं और वो वहां आग लगा रहे थे, और फिर वचन 2 कहता है कि वहां पर टापू के लोगों ने उसके ऊपर थोड़ी सी दया की, उन्होंने वहां पर आग जलाई और हमें स्वीकार किया क्योंकि बारिश हो रही थी और वहां पर काफी सर्दी थी। और फिर पौलुस ने लकड़ी का एक ढेर उठाकर आग में डाला और उसमें से एक सांप निकल आया और उसके हाथ को उसने जकड़ लिया। और जब वहां के लोगों ने देखा कि इसके हाथ को एक सांप लिपट गया है, तो फिर वो आपस में कहने लगे, निस्संदेह व्यक्ति हत्यारा है, जिससे हालांकि ये समुन्द्र से तो बच गया लेकिन फिर भी बदला इसे जीने नहीं देगा। और उसने हाथ झाड़कर सांप को आग में गिराया, कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि ये तो सूझ कर मर जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिर उन्होंने देखा कि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो उसके पास आए, अपना मन बदल कर वो कहने लगे कि ये परमेश्वर है। ये अद्भुत है, चमत्कार क्या करता है। अब तो वो बदल जाता है, एक हत्यारे से परमेश्वर बनता है। यानी यहां पर कितने लोग ये जानते हैं कि ये चमत्कार करने का वरदान है, क्योंकि यदि जहरीला सांप काटता है और उपचार न करे तो आप तो निश्चय मर जाएंगे। लेकिन पौलुस ने क्या किया, हाथ झाड़ दिया और उसका कोई बुरा परिणाम नहीं हुआ। और ये तो स्वाभाविक क्षेत्र में अलौकिक का हस्तक्षेप था, उस विष ने वो नहीं किया जो सामान्य रूप में विष करता है। और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया यहां पर चमत्कार के वरदान के द्वारा।
और फिर आप आगे पढ़ सकते हैं। और अवश्य ही एक और समय जहां पर पौलुस पौलुस की सेवकाई में ये कहता है कि वो सेवकाई कर रहा था और अभिषेक इतना था कि उन्होंने उसके अंगोछे को लिया और लोग उसे लेकर गए, और जब भी वो किसी पर बीमार पर रखा जाता तो वो चंगे हो जाते थे। ये भी चमत्कार करने का वरदान है। हाँ, हमें इस बात को समझना होगा, हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर को बक्से में रखें और सोचें कि वो सब काम कैसे कैसे करता है। अब क्या ये सामान्य रूप में हमेशा होता है कि हम लोग प्रार्थना के कपड़े भेजें? मैं जानता हूँ इसके बारे में हम धार्मिक हो गए हैं, मैंने गवाहियाँ सुनी है कि कैसे प्रार्थना के कपड़े ने काम किया है। मैं सोचता हूँ कि हम ये नियम नहीं बना सकते हैं कि बस मैं प्रार्थना करूँगा कपड़ों पर और ये कपड़े भेजूँगा। एक बार फिर इन सारे वरदानों के लिए कुंजी बात है, ये सारे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के लिए ये केवल तब होते हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा के लिए आज्ञाकारी होते हैं। यही बात है जो हमें यहाँ सीखना ही होगा। मैं सोचता हूँ कि आज की कलीसिया में इसी बात की बड़ी कमी है। ये तो बस इसीलिए कि हम बुद्धिमानी से कुछ पढ़ते हैं और इसे तुरंत अपने आप में पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसका डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ इस सफलता की कुंजी को याद रखना है। यीशु ने भी पुरे सुसमाचार में हमें ये सिखाया है कि जब भी उसने कोई भी चमत्कार किया या किसी बीमार व्यक्ति को चंगाई दी या कोई भी अद्भुत काम किया, जब उसकी ओर देखा तो हमेशा उसने यही कहा कि पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, ये तो पिता मुझ में है जो ये काम करता है। और यही तो वो कुंजी है कि आप और मैं, हमें इस बात को समझना होगा कि ये तो हम नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा हम में है जो हमारे द्वारा काम करना चाहती है कि ये चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करें। और यदि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पर हम प्रभु पर आधारित हो और खुद पर नहीं, तो हम यहां पर बहुत से चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते हुए देखेंगे। और एक बात जो मैं सोचता हूं कि मुख्य बात है इस सफलता में जो यीशु ने पाई थी, वो परमेश्वर को सम्मान देना चाहता था। वो तो बस ये कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, आप सुसमाचार में पढ़िए, जब भी उसने कोई चमत्कार किया, बहुत ही अद्भुत काम किया, जब वो उसे देखने लगे, वो वहां पर नहीं था, वो भीड़ में कहीं खो गया था, क्योंकि वो बस यही चाहता था कि परमेश्वर की स्तुति हो, उसे ही महिमा मिले, उसे ही महिमा मिले। और उसने जाना परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है, वो तो केवल एक पात्र है। और आज देखिए इसके विपरीत क्या होता है, जब भी हम किसी के सिर पर हाथ रखते हैं बस सिर दर्द के लिए और वो चंगे होते हैं, तो हम बस दूसरों को बताते रहते हैं कि देखो उस व्यक्ति के सिर में बहुत दर्द था और मैं वहां गया, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा यीशु के नाम में मैं सामर्थ खोलता हूं और वो चंगे हो गए। क्या किसी के सिर में दर्द है, जानते हैं? ये तो ऐसा दिखता है कि जैसे कि मानो हम इसके लिए सम्मान लेना चाहते हैं, लेकिन जबकि सच्ची बात तो ये है कि सारी स्तुति सारी महिमा वहां पर परमेश्वर को दी जानी चाहिए जो इसे नियुक्त करता है, और वो हमें अधिकार देता है कि हम इसे करें। और हमें इस बात को जानना है कि यदि हम अपने आप को यहां पर खो देते हैं, खुद के महत्व को छोड़ते हैं और प्रभु के लिए खुद को उपलब्ध करवाते हैं, आगे बढ़कर वो काम करते हैं चाहे इसके लिए हमें सम्मान मिले या न मिले, तो हम इसे अपने जीवन में और ज्यादा होते हुए देखते हैं। कितने लोग जानते हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं है, इसे कहना आसान है लेकिन इसे करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं निश्चय जानता हूं कि हमें ये करना है। पौलुस ने इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं बनाई, उसने बस हाथ झटक कर उसे गिरा दिया और अपने काम में आगे बढ़ गया। मैं एक बार फिर कहूं, हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि जहरीले सांप को झटक कर गिरा दे और फिर ये कहे ओ तुमने इसे देखा मैं प्रभु का सामर्थी जन हूं और देखो सामर्थ है, सारे सांप लाओ। नहीं, हमें ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर हम ये देखें कि परमेश्वर को ही सारा सम्मान मिलना चाहिए। अब जैसे हम इसे देख रहे थे और हम इस लेसन के अंत में आ चुके हैं, मैंने इस बात को यहां पर इसे जोड़ दिया है। जानते चमत्कार पाना कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में सही मनोदशा रखनी है। और इससे मेरा मतलब ये है कि ये कहना कि मुझे समस्या है ये बहुत बड़ी है, यह हम ये कहना मेरी एक समस्या है परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा मौका है। जानते हैं इसका हमारी मनोदशा से बहुत बड़ा संबंध है और हम कैसे इस परिस्थिति तक पहुंचते हैं, और हम क्लास के बीच में इस पर चर्चा करेंगे। समस्या जो हमारे जीवन में आती है, क्लेश जो जीवन में आते हैं, हम उससे कैसे निपटते हैं, यही तो निश्चित करता है कि हमें उससे अच्छे या बुरे परिणाम मिलेंगे। और इसलिए हमें चमत्कार पाने के लिए सही मनोदशा रखनी है।
अगर आपकी बड़ी समस्या है तो परमेश्वर के पास आने के लिए बड़ा मौका है। फिर से एक बार, जैसे हमने पहले बताया है कि जरूरी नहीं कि यहां पर चमत्कार के लिए जीवन और मृत्यु की ही परिस्थिति हो। उस शादी में अगर दाखरस की कमी होती तो वहां पर अपमान होता, कोई मरने वाला नहीं था, लेकिन यीशु उनकी सेवा करके उन्हें आशीष देना चाहता था। और हमारे लिए उसके पास बिल्कुल ऐसा ही दिल है। चमत्कार के लिए जरूरी नहीं कि वहां पर जीवन और मृत्यु की परिस्थिति हो आपके जीवन में। फिर अपनी परिस्थिति में आप यीशु को न्योता दे। उन्होंने बस यही किया उस शादी के समय में। उन्होंने कहा, यीशु, इस परिस्थिति के बारे में तू क्या करना चाहता है? और इस मनोदशा के साथ में कि हम यहां सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए हैं। क्या यह अद्भुत नहीं कि यीशु ने इसे कितनी बार तो भी सिखाया लेकिन मसीह की देह से अब तक नहीं समझी है? उसने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं आया लेकिन सेवा करने के लिए आया हूं। और अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है तो सोचो क्या करना होगा, सबके सेवक हो जाएं। और देखिए, यह मनोदशा हो कि यीशु को अपनी परिस्थिति में न्योता दे। और फिर मैंने वहां पर रखा, जल्दबाजी न करें। दूसरे शब्दों में एक बार फिर से हमें सुनने योग्य होना है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। और मैं क्लासेस के बीच में बता रहा था, आप जानते हैं, देखिए, ये मेरी सबसे ज्यादा प्रार्थना है जब मैं लोगों की सेवकाई करता हूं। मैं कहता हूं, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए कि कैसे सेवा करूं। देखिए, ये बहुत ही आसान है कि बस एक रूटीन में फंस जाएं। ये आसान है कैसे करने के लिए, बस एक ही तरीका अपनाएं लोगों की सेवकाई के लिए। मतलब कितनी बार ऐसा होता है जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें लाइन में रखते हैं, हाथ रखते हैं, कहते हैं यीशु के नाम में डा 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 डा। और देखिए, ये अद्भुत है कि हमेशा यीशु के पास में वचन था कि परमेश्वर ने बताया था कि इसे कैसे करें। तो एक बार उसने वहां पर थूका, ओ ये अद्भुत है। आप इन दिनों में नहीं देखते कि बहुत से लोगों की थूकने की सेवकाई है? वो ये करना नहीं चाहते हैं और ये बुद्धिमानी है। लेकिन बात तो ये है कि अगर प्रभु थूकने के लिए कहा तो थूकना होगा, लेकिन जब आप थूकते हैं तो प्रभु से वचन पाले या सामने वाले व्यक्ति से बड़े हो, दोनों में से एक लेकिन परमेश्वर से वचन पाए कि उसकी सेवकाई कैसे करे। क्या तू चाहता है कि मैं उस पर हाथ रखूं या उसे वचन बताऊं या फिर दुष्टात्मा निकालूं? तू कैसे चाहता है कि मैं इस व्यक्ति की किस तरह सेवकाई करूं? और पवित्र आत्मा को काम करने दे। और ये प्रैक्टिस से आता है। कई बार एक घंटा भी समय नहीं होता है कि आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए खुद को तैयार करें। हमें तो बस आत्मा के लिए सचेत होना है। और ये सब कुछ क्यों करना है? कि प्रभु के लोगों को छुड़ाएं और प्रभु के लोगों की जरूरत पूरी करें और उसका काम करें। फिर से एक बार, ये परमेश्वर का निश्चित वचन है और मैंने बार बार इसे कहा है, चमत्कार का उपयोग करता कि वचन को साबित करे। यानी चमत्कार के ये जो वरदान है, ये परमेश्वर की इच्छा है उसके मार्गदर्शन के अनुसार, लेकिन हमें सहयोग देना है और सहयोग देने के लिए तैयार रहना है। और जो भी वो कहे हमें करना है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न दिखे, चाहे कितना भी अजीब क्यों न लगे। यहीं पर मनुष्य की सोच बीच में आती है और हम बहुत से चमत्कार को चूक जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक में से करने के लिए कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रभु के तरीके से करने से प्रभु के परिणाम मिलते हैं। आमेन। ठीक है, यही खत्म होता है ये लेसन नंबर 6। मुझे पता नहीं कितना समय बाकी है, 1 या 2 मिनट है? 1 मिनट रहा क्या? हाँ सर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पत्रस और यूहन्ना को यरूशलेम से भेजा गया था एक जगह पर ताकि वहां पर के जो लोग थे उन पर वो हाथ रखे और वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, इसके बारे में जरा बताइए। जानते हैं, मैं विश्वास नहीं करता ये आधा सच था, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा था जो उस समय वो अन्य जातियों की सेवकाई कर रहे थे और शुरू शुरू में यहूदियों की सेवकाई कर रहे थे। खैर, मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं है और मुझे मालूम नहीं कि क्या ऐसे ही होना है। या शायद फिलिपूस कह रहा होगा कि मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रेरित आरस में जुड़ जाए, सच में इसके बारे में पता नहीं है मुझे। अच्छा सवाल था। 30 सेकंड्स हैं, जल्दी ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है, हाँ आप पूछिए। मतलब मुझे जानना है कि वहां पर जो चंगाई हुई वो किस तरह से हुई है। हाँ, क्या वो शारीरिक चंगाई थी या बस ऐसी ही चंगाई थी? ज्यादातर तो वो शारीरिक चंगाई थी। और खैर, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं जानता क्योंकि मैं भाषा भी नहीं समझ पाता हूँ और अनुवादकों के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो तो पूरी सभा के बीच में ऐसी जागृति हो रही थी
और वहां पर पता नहीं किस तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने के कारण ये उनके बीच में होने लगी उस पूरे कमरे में। ऐसा भी मेरे साथ अक्सर हुआ है, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों होता है। ये बस प्रभु का चलन था जिसने मुझे सच में आशीष दी।